अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, दिमाग बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। जितनी चीजें धर्म से जुड़ी हैं, उसका कोई ना कोई बहुत साइंटिफिक मतलब है। जब तर्क दो तो अच्छा दो, इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए, तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई। देखो यूपी में, बिहार में, इस वक्त लगभग पूरे भारत में जातिवाद, कास्टिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का, अब 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं। अच्छी बात है, वो सब कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो श्रद्धा की बात है, जबरदस्ती थोड़ी मनवाओगे किसी से, कोई बात नहीं, उनका मन नहीं है ना माने क्यों। अच्छा, वो नहीं मानेंगे, उसके पीछे जो वो तर्क देते हैं वो बड़ा प्यारा देते हैं, कहते हैं हम सरस्वती की पूजा क्यों करें, सरस्वती ने कोई यूनिवर्सिटी खोली है, हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें, सबसे ज्यादा पैसा अमरीका के पास है। तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई, लक्ष्मी जी क्या करें, तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि लक्ष्मी ताकतवर लोगों के पास रहती हैं, विष्णु जैसे लोगों के पास, जिनके पास शक्ति है। तो तुमने शक्ति तो पैदा किया ही नहीं, और चाहते हो लक्ष्मी, तो बिना शक्ति के बुद्ध के पास रहोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। आइलैंड में है तो बुद्धिस्ट दुनिया के सबसे अमीर है। जब तर्क दो तो अच्छा दो, से मेरी कभी मुलाकात इन लोगों से हो या आपकी हो तो उनसे कहो कि बुद्ध की पूजा करो ध्यान करने के लिए, ये सब मत कहो लक्ष्मी ने पैसा नहीं दिया, सरस्वती ने विद्या नहीं दी। अच्छा तर्क दो, बढ़िया तर्क दो कि हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, क्यों, हमें ध्यान करना है, हमको ताकतवर बनना है, तो सुन के भी अच्छा लगे। मोदी जी सरस्वती की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, प्रधानमंत्री हैं तो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, 72 साल की उम्र में कहते हैं मैं 4 ही घंटा सोता हूं, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं है कि ऐसा कैसे करते हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री तो मानना पड़ेगा, अभी मना कर दो तो ईडी उडी का छापा पड़ जाए। आज हमारे बड़े भाई बहन कह रहे हैं हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, हम बुद्धिस्ट होने जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप कुछ भी हो जाए, लेकिन श्रीलंका भी तो बुद्धिस्ट देश है, वहां कौन सब बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से चलते हैं, नहीं है। धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, दिमाग बदलने से, दिमाग बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। धर्म, मैंने कहा ना आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अब आप कानपुर का सांसद, आपका दोस्त है और खास, आप सुबह शाम उसके यहां चाय पीते हैं और आप भीख मांगते हैं, संभव है? हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रहकर भीख मांगे, इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। हनुमान जी किसके सूचक हैं? ध्यान के। उनका हमेशा चित कहां लगा हुआ है? चेतना पे। सीता जी ने मोती की माला निकाल के दी, मोती कूच के देखने लगे, सीता जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, बोले राम को ढूंढ रहा हूं, चेतना को। और जिसमें चेतना नहीं है उसको पास में रखने की क्या जरूरत है, फेंक दो, तब वो भगवान है। तो हनुमान जी की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप उस विधा को समझ ही नहीं पाए। बुद्ध को अपनाने से कुछ नहीं होगा, ध्यान अपनाने से।
सिद्धार्थ ने ध्यान किया, तपस्या की, ज्ञान दी, तब बुद्ध बने। और तुम सिर्फ नाम लिख लोगे अनूप बौद्ध और तुम बुद्ध हो जाओगे? तो चाहे हनुमान जी के साथ रहो और चाहे बुद्ध के साथ, दोनों को समझना पड़ेगा, तब तुम्हारा उत्थान होगा। नहीं नेशनलिज्म, जिस चीज को तुम करो उसका जो वैज्ञानिक आधार है उसको समझो, वैज्ञानिक। ऐसे मत करो, हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में जितनी चीजें धर्म से जुड़ी हैं उसका कोई ना कोई बहुत साइंटिफिक मतलब है। तुम कोई एक चीज उठा लो, कोई भी चीज। आज सबसे ज्यादा बीमारी मुसलमानों में है, जबकि उनको उनके धर्म ने एक बड़ी अच्छी दवा दी है, उसको कायदे से फॉलो कर ले तो बीमारी ना हो। रमजान दवा है वो, पूरे साल में जो जितना मल अंदर इकट्ठा होता है डिटॉक्सिफाई कर देगा बॉडी को, अगर उसे कायदे से किया जाए तो। अब रात भर कबाब खाओगे रमजान में घूम घूम के, फिर सुबह 4 बजे सहरी भी करोगे, फिर 8 घंटा सोओगे, फिर 6 बजे इतना खा लोगे, 12 घंटे की भूख, 12 घंटे की, न खाना, न पानी, न थूक, कुछ भी अंदर नहीं। जब 12 घंटे तुम भूखे रहते हो और शरीर एकदम जबरदस्त भूख की स्थिति में आती है, तो सबसे पहले तुम्हारे कमजोर सेलों को खाना शुरू करती है। इसीलिए सारे धर्मों में उपवास का सिद्धांत है, हिंदुओं में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, सिखों में, सब में। हिंदुओं में है नहीं नवरात्र, एकादशी, महीने में 2 तो आती ही है। ये सब साइंटिफिक सिद्धांत है। नवरात्र में सुबह उठे 4 किलो आलू भूज लिए देसी घी में, कह रहे व्रत है भैया। अरे तो क्यों व्रत हो? हम अब की बार नवरात्र में, हम रहते हैं नवरात्र बस्ती में, एक साहब के यहां थे नवरात्र, जिस दिन शुरू हुआ उन्हीं के घर पे था मैं। कितना आलू, बोले देसी घी में है, और वो घिया देसी घी में, फिर साबूदाना की खिचड़ी। हमने कहा तब यार ऐसा करो पार्टी कर लो बैठ के, जब इतना खाना ही है। धर्म रैशनलिज्म, किसी चीज को साइंटिफिक एविडेंस के अनुसार जानना, एविडेंस, लॉजिक नहीं। कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कॉपरनिकस ने कहा हेवनली बॉडीज हैव मोशन, केपलर ने उसको दोहराया, सिद्ध किसने किया? गैलीलियो ने, टेलीस्कोप से दिखाया 7 PM पे सप्तऋषि मंडल पूरब में और 2 AM पे सप्तऋषि मंडल पश्चिम में। लोगों ने कहा इसकी वजह क्या है? न्यूटन ने जवाब दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। When you know the things on the basis of scientific evidence, उसको बोलते हैं rationalism. When you know the things on the basis of scientific evidence, logic नहीं, that is called as rationalism.